रिसेंटली मैंने दिलीप भाई की एक न्यू वीडियो देखी जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी गाइस, और बहुत सारे लोग उसको कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई आपने इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कैसे की। तो गाइस मैंने सोचा कि ना इस पर एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊं। सो गाइस आप भी दिलीप भाई की जैसी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। बस गाइस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको वीडियो एडिटिंग करनी है और कौन से एप्लीकेशन में करती है। तो कोई हार्ड नहीं गाइस, एक छोटा बच्चा भी ये वीडियो देखता है तो वो भी सीख जाएगा, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ गाइस, आप आरवी भाई जैसी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो उस पर मैंने पहले से ही 5-6 वीडियोस बनाई है, तो वो भी देख लेना, ठीक है, चैनल पे अपलोडेड है। तो गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आरवी भाई पे और दिलीप भाई पर वीडियोस लेके आता रहूँगा आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। और हाँ गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको वो भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे अकाउंट की। तो चलिए यार शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए तो गाइस सीखते हैं कि दिलीप भाई जैसी वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आपको कैपकट डाउनलोड करना पड़ेगा। कैपकट को कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट की लिंक सेंड कर दूंगा। और दूसरा एप्लीकेशन जो है वो हमारा सुपर वीपीएन। सो गाइस वीपीएन को आपको डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है, सिंपली एक कनेक्ट क्लिक में ही ये कनेक्ट हो जाएगा। और गाइस आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका कैपकट वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी एडिटिंग। सो कैपकट को करना है ओपन, फिर जाना आपको न्यू प्रोजेक्ट पर, और गाइस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वीडियो। जो गाइस एक बात का आप ध्यान रखना गाइस, जब तक आप दिलीप भाई जैसी वीडियो को आप शूट नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो दिलीप भाई जैसी वीडियो बनेगी नहीं, ठीक है। आप कितनी भी एडिटिंग सीख जाओ लेकिन जब आपका शूटिंग ही परफेक्ट नहीं होगा तो आपकी वीडियो उनके जैसी नहीं बनेगी। तो गाइस आप जाओ और दिलीप भाई की वीडियोस को देखो किस टाइप के शूट करते हैं, कौन से एंगल लेते हैं, तो पहले आप वो सीखो फिर आप एडिटिंग, ठीक है। सो मेन दोस्तों शूटिंग है, उसके बाद ही आप एडिटिंग अच्छी लगेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने अलग अलग क्लिप ले ली है, यहाँ पर मैंने दिलीप भाई की क्लिप ली है, ठीक है, आप अपने क्लिप को शूट करके ले लेना। सो पहले डिसाइड कर लेना आपको कौन सी क्लिप फर्स्ट में रखनी है, कौन सी बीच में, कौन सी लास्ट में। सो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2-3। सो यहाँ पर टोटल मैंने 6 क्लिप को ऐड कर लिया, ठीक है, आप भी छोटी छोटी 5-6 क्लिप्स को ऐड कर लेना, ठीक है, 5-5 सेकंड की आपको क्लिप को शूट कर लेना, चाहो तो एक साथ में भी शूट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लिप्स ले कर ली है। और गाइस यहाँ पर जो एक एंडिंग में एक ब्लैक पार्ट आएगा जो कि कैपकट का वाटर मार्क होता है, वो हमको डिलीट कर लेना है, वरना दोस्तों जब सेव करोगे तो ये भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिप को ऐड कर लिया, यहाँ पर ओरिजिनल साउंड में ऑफ कर देता हूँ। एंड फिर गाइस यहाँ पर हमको ऐड करना है साउंड जो हमने पहले अपने परवी में जो वीडियो देखा वो साउंड जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, वही साउंड हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर ऑडियो पर जाना है, यहाँ पर फिर एक आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा। और गाइस मैं आपको साउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, दिलीप भाई का जो आपने साउंड यूज किया है, तो दिलीप भाई ने ये वाला साउंड यूज़ किया, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी टाइमलाइन अटक रही है, ठीक है, फ़ोन थोड़ा हैंग हो रहा है। सो सबसे पहले इसका मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, वरना मैं बोलूँगा और गाना बजेगा तो यार आपको डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। चलो ये वीडियो जो पूरी बीट पे है तो हमको बीट पे इसको एडिट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करना, दो उंगली से जूम कर सकते हो, ठीक है, आप दो उंगली से जूम आउट जूम इन कर सकते हो, तो इतना कर लेता। सब करते हैं हमारी बीट से एडिट। सो सबसे पहले मैं सॉन्ग को सुनूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पिस्तौल जैसा आवाज़ आ रहा है, तो उस पर हमको इसको बीट बोलते हैं, तो बीट ऐड कर लेने, ठीक है। आपको बीट ऐड करने के लिए कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपको नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, म्यूज़िक वाली को, और जैसे यहाँ पर बीट आ रही है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैग और बीट, ओके डन, ठीक है। तो दूसरी बीट यहाँ पर आ रही है, सो यहाँ पर मैंने बीट को ऐड कर दिया। तीसरी बीट ये यहाँ पर है, सो ठीक है, मैं सुन लेता हूँ और काका पर बीट है, यहाँ पर पॉइंट बना देता, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉइंट लग जाएंगे, देखते कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है। सो गाइस यहाँ पर मैं अपने अंदाजे से लगा रहा हूँ, ठीक है, आप सुन सुन कर लगाना, ठीक है, एक यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर है। सो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे जो कुछ भी होगा, ठीक है, एक ये यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स लग गए, तो चलिए अब करते हैं हमारी क्लिप को एडजस्ट और इसके अंदर कुछ इफेक्ट लगाते हैं ताकि हमारी वीडियो कमाल की बन सके। सो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, सो यहाँ पर कुछ जो इफेक्ट आपने देखा होगा उसको लगाते हैं यहाँ पर कट, और पीछे वाले पार्ट को कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। सो गाइस यहाँ पर करना आपको फर्स्ट वाली वीडियो को सेलेक्ट, फिर जाना आपको एनिमेशन पर। सो गाइस आपको जाना यहाँ पर जूम आउट पर, और फिर आपको करना इस टाइप से स्क्रॉल और आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको जूम इन में नहीं जाना, जूम आउट में जाना है। सो यहाँ से मिलेगा कहाँ गया कहाँ गया।
सो ये रहा ठीक है, जूम आउट ये वाला, और यहाँ पर कुछ सेकंड को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना ठीक है, सेकंड यहाँ से एक मिनट तक रखना ठीक है। आप नीचे सेकंड दिखा रही है, आप इसको 0.8 पर भी रख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप का इफेक्ट हो रहा है ठीक है। यहाँ पर जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बीट आ रही है ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ठीक है, बीट से थोड़ा आगे। अब इसको क्लिप यहाँ पर हमारी क्लिप को ऐड करना है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, स्प्लिट करूँगा, यहाँ पर थोड़ा आगे जाके यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा स्प्लिट ठीक है। आपको कट लगाना है, आप जूम कर देना है ताकि हमको क्लिप को देख सके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कट लगा दिए एक और ये दो। अब क्या करना है, पहले वाले कट को सेलेक्ट करना है आपको, इसको करना इस टाइप से छोटा, और दूसरे वाले को भी इसको कर देना आपको इस टाइप से छोटा ठीक है, इतना छोटा कर लेना है। अब गाइस दोनों के अंदर हमको एनिमेशन ऐड करना है। तो फर्स्ट वाली क्लिप को सेलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है, और आपको इनमें ही जाके आपको यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा सॉरी गाइस मैंने फर्स्ट वाली वीडियो पे लगाना नहीं है ठीक है सॉरी। आपको इस सेकंड वाली क्लिप को ऐड करना है, कहा गया ये रहा। तो यार यहाँ पर एनिमेशन हट गया है, कहा गया ये वाला एनिमेशन इसको आउट पे जाके। सो गाइस ये एनिमेशन यहाँ पर हट गया था गलती से, तो मैं इसको फिर से लगा लिया है ठीक है, इसको मैंने फिर से लगा लिया। तो आपको ध्यान रखना ठीक है, यहाँ पर क्लिक एनिमेशन, अब दूसरी वाली को आपको लगा देना है यहाँ पर शेक, तो इसको आप कर सकते हो टू पर ठीक है। सो यहाँ पर दूसरी वाली क्लिप को भी सिलेक्ट करना है, एनिमेशन लगाना है, और फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर शेक पे लगाना ठीक है। तो हमारे कुछ इफेक्ट इस टाइप का बनेगा, आपको शुरू से दिखाता हूँ ठीक है। ठीक है अब गाइस यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, अब इस पे जाना है, एनिमेशन पे जाना है। अब गाइस इनमें ही रह के आपको सेम यहाँ पर एक मिलेगा जूम ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको कम कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ठीक है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके फिर से आपको एक कट लगाना है, कट लगाने के बाद आपको इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके आपको ये वाला इफेक्ट ठीक है। सो अब देख सकते हो हमारी बीट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर प्ले करते हैं तो एक यहाँ पर आता है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से इसको डिलीट ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का, और इस पर क्लिक करते फिर से जाना है दूसरी वाली वीडियो को सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाके, अब एक और एनिमेशन लगाना है। सो और ये रहा एनिमेशन ठीक है, इस पर यार बीट आ गई डन, इसको कर देते हैं यहाँ से कट, और अब इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके एनिमेशन पे, और यहाँ पर ये वाले ठीक है। और गाइस यहाँ पर एनिमेशन लगा ली ठीक है। अब गाइस बारी हमको एक इफेक्ट लगाने की, सो जाना यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, वीडियो इफेक्ट पर, और गाइस यहाँ पर मिलेगा वाइब्रेशन फ्लैश ठीक है, इस वाले को लगाना है। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमारे ठीक है, इसको कर देते हैं इसको छोटा इतना तक ठीक है। यहाँ पर दूसरी बीट आ रही है तो इसको कर देता है यहाँ से, और स्प्लिट, और पीछे वाले भाग को डिलीट। सो अब ये वाला आ रही है तो इसको मैं करूँगा एनिमेशन, और यहाँ से गाइस बस आपको यहाँ पर इफेक्ट ऐड करते जाना है सिंपली ठीक है। ठीक है और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम करके इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, यहाँ से करूँगा यहाँ से डुप्लीकेट, और इसको पकड़ के इसको ले आऊँगा यहाँ तक। सो अब कुछ हमारा तो यहाँ पर एक पार्ट है जो कि मुझे नहीं चाहिए, और सॉन्ग हमारे यहाँ तक है, तो इसको वीडियो को मैं कर दूंगा यहाँ से छोटा। सो गाइस अब मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ कि कैसी बनी है हमारी वीडियो एग्जैक्टली ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो को ले, तो गाइस आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरह आपको वीडियो बनाना, तो आपकी भी वीडियो दिलीप भाई जैसी बन जाएगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना कि वीडियो उनकी तरह शूट कर लेनी है अच्छे से अच्छी क्वालिटी में ठीक है। आपको आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी दे देता आजकल एंड्रॉयड भी ठीक है। बस आपको अच्छी लोकेशन और अच्छी क्वालिटी में शूट करके ले, आपको जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो प्रोसेस को फॉलो कर लेना, तो आपकी भी वीडियो एडिट हो जाएगी। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, और ऊपर से गाइस आपको कर लेना वीडियोज़ को सेव। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है।